मोटी चीज ये है कि जो चीज पैक्ड आई है आपके डब्बे में आई है, मान लीजिए आपने ऐसी कोई चीज मंगाई थी जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करी और बाहर भी पड़ी रहे तो कोई खराब नहीं होगी, आप उसको अपने बालकनी में रख दो थोड़ा धूप में। हाँ, क्योंकि ये जो वायरस है ये हवा में 3 घंटे रहता है। अच्छा। हाँ, ज्यादा नहीं टिकता है, और बाकी सरफेस पे भी उस पर कुछ घंटे ही टिकता है, या 1-2-3 दिन मान लीजिए, तो 3 घंटे से 3 दिन मान लीजिए। अगर आप उसका एक जैसे क्वारंटीन करते हैं ना, अगर उसमें खराब आने वाली चीज नहीं है जो लोग क्वारंटीन करते हैं, आपने चावल मंगाया था आप क्वारंटीन कर देंगे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये चीज आप जो खराब होने वाली है उसको नहीं कर सकते। आपने दूध मंगाया है, आपने ब्रेड मंगाया है, आप उसको नहीं कर सकते। वो किसी बैग में लाता है कागज के, इसमें उसको आप बाहर ही निकाल दीजिए, आप अपनी रख लीजिए। सब्जी लाते हैं आप निकाल लीजिए। फिर भी इसके अलावा भी हम कहते थे कि सब्जियां फल फ्रूट जो है धो के ही खाने चाहिए, वैसे भी तो आप रनिंग वाटर में पानी में धो दीजिए। जब कोरोना वायरस नहीं है तब कई लोगों को हम ये भी कहते थे आप पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दाने हैं तो उसके उसमें धो दीजिए, बट आपने पानी में धो दिया, सुखा के फ्रिज में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बारे में इतना चिंता होने की बात नहीं कि उसमें से बहुत आएगा। रिमेम्बर जो हमने शुरू में बात करी थी, इस बीमारी का जो ट्रांसमिशन है 2 रूट से हो रहा है। एक तो ये कांटेक्ट वाला है कि कहीं जम गया है सब्जी के ऊपर, डब्बे के ऊपर, किसी के ऊपर, जिसको कि हम सैनिटाइजेशन और हाथ साफ करके राहत पहुंचा रहे हैं अपने आप को। दूसरा खांसी और बलगम से, उससे ज्यादा है। आप ये ध्यान करें कि किसी को आप देखें कहीं पे खांस रहा है या थूक रहा है, आप तो उससे दूर रहें, प्लस उसे समझाएं। थूकना हमारे देश की जो है इतनी परंपरा से बन गई थी, कई जगह पान खाओ थूको, ये बिल्कुल गलत है। तो उससे बचें, और ये जो सामान आपका आ रहा है उसके बारे में इतनी चिंता ना करें जैसा कि सोच रहे हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप बस ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपने जो सामान लिया है वो ठीक सामान लिया है जी। और भी आप बीमारियों से बचेंगे, ऐसा नहीं कि आपने सड़क पे खुला हुआ कोई भी सामान ले लिया, प्रॉपर सामान। ये बिल्कुल ठीक है।